तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शायुंग चुंगमुंग से कहता है, क्या तुम उसको जानते हो? क्या तुम उससे इससे पहले मिले हो? तो चुंगमुंग कहता है कि नहीं, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला। और शायुंग उसकी तरफ देखता है और थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर हमको दिखा जाता है कि वो लड़का वहाँ से जा रहा होता है और वो चुंगमुंग को बताता है कि सीनियर बैकचुंग को माउंट हुआ सेक्टर का सबसे बड़ा जीनियस बताया जाता है। इनको ही विश्वास था कि माउंट हुआ सेक्टर पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है अगर इसकी मदद की जाए तो। तो चुंगमुंग कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर का ग्रेटेस्ट जीनियस ये। और चुंगमुंग सोचता है कि उसके पिछले जन्म में भी उसको लोग ग्रेटेस्ट जीनियस ही कहा करते थे। और कहता है कि ऐसा उन लोगों ने कुछ समय बाद कहना बंद कर दिया था। और उसको याद आता है कि उसके जो सीनियर होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम बदतमीज लड़के, क्या तुम्हारा मुंह बस बकवास करने और सिर्फ शराब पीने के लिए ही खुलता है? तो चुंगमुंग जोगुल की तरफ देखता है और कहता है, क्या सीनियर ब्रदर जोगुल माउंट हुआ सेक्टर के सबसे ग्रेटेस्ट जीनियस नहीं है? तो जोगुल उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्या क्या मैं? और कहता है, अरे तुम अपना मुंह बंद करो, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो चुंगमुंग कहता है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और जोगुल कहता है कि सीनियर बैकचुंग, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो उनके सामने खड़ा भी हो सके, उनका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तो चुंगमुंग कहता है कि एक लूजर माइंडसेट बहुत ही अच्छा माइंडसेट होता है, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा हम्बल बना देता है ना? तो जोगुल उसको कहता नहीं और उसको बहुत गुस्सा आता है उसकी तरफ देख के। तो चुंगमुंग बैकचुंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये कानों को सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिटी इससे पूरी तरीके से अलग है। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि नेचर ने चिड़ियों को एक ही तरह के पंख दिए हैं जो कि साथ ही उड़ने के लिए बने होते हैं। अगर कोई बगुला मुर्गियों के झुंड में जाके टिक जाए और उनके साथ घूमना शुरू कर दे तो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहेगा और उनमें हमेशा कोई ना कोई कमी दिखाई देगी। और चुंगमुंग को ऐसा लगता है कि जो बैकचुंग है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर टैलेंटेड है उसके बाकी साथियों के मुकाबले। और हमको दिखाया जाता है कि जो बैकचुंग है वो जाके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ शामिल हो जाता है, वहाँ पर खड़ा होता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो जो यू नाम की लड़की होती है वो भी आती है और आके उन लोगों को ज्वाइन करती है और उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो चुंगमुंग उस लड़की की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि तो ये भी एक बैक है यू सोल, और सोचता है कि क्या ये सबको मेरे बारे में बताएगी? ऐसा नहीं है शायद, कुछ नहीं बोलेगी। तो जो जोगुल होता है वो कहता है, ऐसा लगता है कि तुम भी अपनी आँख सीनियर यू से हटा नहीं पा रहे हो। और कहता है, ऐसा मुश्किल है कि उनसे पहली बार कोई देखे और अपनी आँखें हटा ले क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चुंगमुंग उसकी तरफ मुड़ता और कहता है, क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? तो जोगुल कहता है कि तुम उसके सपने देखना बंद कर दो, पहले ही सीनियर ब्रदर बैकचुंग पे वो इंटरेस्टेड है। तो जो चुंगमुंग और शायुंग होते हैं वो दोनों अपने कान बंद करते हैं और कहते हैं, बह बह बला बला, पता नहीं क्या क्या बकरा है। तो जो जोगुल होता है वो चिल्लाने लग जाता है कि क्या मैंने ऐसा गलत क्या बोल दिया? और कहता है कि क्या तुमने उसके अलावा और किसी औरत को यहाँ पे देखा है? उसके जैसी को तो शानजी में सबसे ज़्यादा सुंदर औरत कहते हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि उनमें से एक सबसे बड़ा जीनियस है और एक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हम नहीं जानता होगा हम लोगों को, वो सोचेगा और हमसे जब ऐसी बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि या तो हम लोग शानजी में ही रहे हैं या उससे भी बुरी और बदतर जगह से आ रखे हैं। तो चुंगमुंग जोगुल से कहता है कि सीनियर ब्रदर, अगर आप दूसरों के लव अफेयर में घुसने के बजाय अपने तलवार की प्रैक्टिस में ध्यान देते तो अभी तक शायद तुम यहाँ के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके होते, तो प्रैक्टिस पे ध्यान दो। तो जोगुल कहता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चुंगमुंग कहता है, मुझसे बात करने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो चुनबैक होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि हम अपना जो सम्मान है सेक्टर लीडर के प्रति प्रदर्शित करते हैं, और ऐसा कह के सल्यूट करते हैं वो लोग उसको। और वहाँ पे जितने के जितने स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी कहते हैं, हम सब अपना सम्मान सेक्टर लीडर के प्रति प्रदर्शित करते हैं। तो जो सेक्टर लीडर कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और आप लोग काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग से गुजरे हैं। तो जो बैकचुन होता है वो कहता है कि ये बिल्कुल भी टफ नहीं था, हमारे सेक्टर ने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया है और हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो हम इसके प्रति कैसे कंप्लेन कर सकते कि यह टफ था या नहीं था? तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं। और कहता है कि हमें यह रियलाइजेशन हो गया कि हम जिस पाथ पर चल रहे हैं और जिस ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं और शॉर्ट ट्रेनिंग का कोई अंत नहीं है, और आज के मुकाबले जो हमारी पिछली ट्रेनिंग थी वो बस एक मजाक लगती थी, हालांकि हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर लिए हैं। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छी बात है,
और फाइनेंस और इकोनॉमी के एजेंसी के लीडर को कहते हैं कि क्या हमको इनको एक रिवॉर्ड पार्टी देनी चाहिए इनके इतने कठिन परिश्रम के लिए। तो जो फाइनेंस और इकोनॉमी का लीडर होता है वो कहता है इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि हम इसके लिए एक पार्टी करें। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमी के लीडर करें हम पार्टी। तो वो जो फाइनेंस और इकोनॉमी का लीडर होता है वो कहता है कि हाँ 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 क्यों नहीं बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, वहाँ पे पार्टी तैयार हो चुकी है, चलिए चलते क्यों नहीं है। तो फाइनेंस और इकोनॉमी का लीडर वहाँ से जा रहा होता है और धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोल रहा होता है कि अगर उनको ये पता होता कि ये उनके पैसों से खर्चा नहीं हो रहा है, अगर उनके खुद के पैसे खर्चे होते तो वो लोग बिल्कुल भी ऐसी पार्टी नहीं करते। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं मन ही मन सोचते हैं कि ये अजीबोगरीब चीज़ें बोलते रहता है, पता नहीं ये ऊना मर्चेंट गिल्ड वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो सेक्टर लीडर ऊना से कहते हैं कि ये बच्चे बहुत ही टफ टाइम से गुजरे हैं, इनके विश्राम करने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो जो ऊना में होता है वो कहता है जी सेक्टर लीडर बिल्कुल अभी कर देता हूँ। और सेक्टर लीडर चुमू को बुलाते हैं तो चुमू कहता है यस सेक्टर लीडर। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो चुमू से कहते हैं कि तुम मेरे रूम तक चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जो चुमू होता है वो कहता है ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। और जो बैकचुन होता है वो कहता है कि ये लड़का फिर से। और मन ही मन सोचता है कि क्या सेक्टर लीडर इसको बुला रहे हैं वो भी इस तरीके से। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट और स्नैक का बंदोबस्त करूँ तो तुम आओगे। तो चुंगमंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है आ रहा हूँ मैं। और उसके बाद उनको दिखाया जाता है कि चुंगमंग दौड़ के सेक्टर लीडर के पास आया होता है और जो चुंगमंग होता है वो बिल्कुल हैरानी से उनको देख रहा होता है जाते हुए। और वो कहता है कि सीनियर उस लड़के में ऐसा क्या है जो वो सेक्टर लीडर इसको इतना बुलाते हैं। तो जो ग्रेट शायुक होता है वो कहता है कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए ये अच्छा होगा कि तुम उसको इग्नोर ही करो, स्पेशली तुम्हारे लिए। और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जो चुनबैक होता है वो अकेला खड़ा रहता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो सब ग्रेट हॉल में बैठे हैं और चुनबैक कहता है क्या ये सच में वही माउंट हुआ सेक्टर है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो थाली होती है उसमें मस्त चिकन फ्राई करके रखा होता है, पूरा साबुत चिकन। और जो चुनबैक होता है वो उसको देख के पूरी तरीके से हैरान होता है कि क्या ये सच में यही है, चिकन ही है ना, हमारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। उनमें से एक सेकंड क्लास का जो लड़का होता है वो कहता है कि एक साल में जो पवेलियन है और जो रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, तुमको ये जो फ्लोर है और बाकी सब चीज़ें कितनी ज़्यादा साफ सुथरी नहीं लग रही। और कहता है कि लगता है कि हम लोग जब वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे तब यहाँ पर किस्मत के देवता आए थे और यहाँ पर अपना कुछ जादू चला के गए, क्या तुम वो थर्ड ईयर वालों के बच्चों को नहीं देख पा रहे हो। तो जो चुनबैक है वो उनकी तरफ मुड़ता है और वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जो थर्ड क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या तुमको नहीं लगता कि हम मीट खा खा के पूरे बोर हो गए हैं, इनको क्या यहाँ पे जो टेबल है इसमें कुछ अलग नहीं रखना चाहिए, जैसे कि कभी मछली या कुछ और ऐसा ही अलग अलग होना चाहिए, मैं ये मीट खा खा के बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। तो जो चुनबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ये क्या कह रहे हैं ये लोग, ये लोग मीट खा खा के बोर हो गए। और सोचता है कि मैं जिस माउंट वा सेक्टर को जानता था उसकी हालत इतनी बदतर हो रखी थी कि उसके पास तो पैसे भी नहीं थे और वो सबसे गरीब प्रांत माना जाता था यहाँ का। हमारी हालत ऐसी थी कि जो बैगर सेक्टर है उसके साथ हमको कंपेयर किया जाता था। और कहता है कि माउंट वा सेक्टर तो बैगर सेक्टर से भी ज़्यादा गरीब हो चुका था, वहाँ पे कुछ गरीब भिखारी लोग रहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सेक्टर है वो इतना गरीब है, पर आज माउंट वा सेक्टर में इतना सारा पैसा आया कहाँ से। तो जो ग्रेट शायुक होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ, क्या तुमको खाना पसंद नहीं आया। तो जो चुंगबैक होता है वो कहता है कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। और कहता है कि मुझे बस इतना समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और एग्जैक्टली माउंट वा सेक्टर में ऐसा हुआ क्या है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो जो ग्रेट शायुक होते हैं कहते हैं अरे ऐसी बात है, मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही, पर ऐसा है कि ये बहुत लंबी कहानी है जो कि मैं तुमको अभी नहीं बता सकता, तुमको ये सारी बातें अपने आप पता चल जाएंगी। तुम बस इतना सोचो कि जैसे हमारे ऊपर बस एक लकी स्टार आके गिरा है। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्या एक लकी स्टार। तो उसी समय हम देखते हैं कि चुंगमंग दरवाजे को लात मार के वहाँ पे अंदर एंट्री मारता है और वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। और चुंगमंग वहाँ पे सारे के सारे जितने स्टूडेंट होते हैं सब चुंगमंग को ही देख रहे होते हैं कि क्या करके आ रहा है ये लौंडा। और उसके बाद जैसे ही चुंगमंग अंदर आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सब लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसको हुआ क्या है। और चुंगमंग गुस्से के मारे वहाँ से चलते हुए जाता है सबके बीच में से और वहाँ जाके सीधा जाके वो जोगुल और शायुंग के पास जाके बैठ जाता है। सारे स्टूडेंट चुंगमंग को ही देख रहे होते हैं कि इसको आखिर हुआ क्या है।
कोई कुछ नहीं कह रहा होता है, सब शांति से बैठे होते हैं। और जो बैकचुन होता है वो कहता है कि इसके साथ हुआ क्या है, इसको कोई दिक्कत है क्या, और सोचता है कि कोई भी थर्ड क्लास का डिसाइपल इसको कुछ कह क्यों नहीं रहा है, और इतना छोटा बच्चा होके इसको कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। यहाँ तक कि जो सीनियर उनगम है, ये मैनर को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये भी कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या ये सिचुएशन इन सब के लिए इतनी नॉर्मल है? क्या इस लड़के ने जितने भी थर्ड क्लास के स्टूडेंट है सबका क्या गला दबोच के रखा हुआ है? क्या ये लड़का इन लोगों के भी ऊपर है? युंगुंग के साथ ये बैठा है जो कि क्लास में सबसे सीनियर है, और जो गुल जो कि क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये इनके ऊपर बैठा है क्या? ये लोग इसको कुछ भी नहीं कह रहे, और सोचता है कि जो जोगुल और शायुंग है ये लोग इसके लेफ्ट और राइट हैंड है। इस लड़के ने ये सब किया कैसे? और वहाँ पे दिखाया जाता है जो शायुंग होता है वो कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, आखिर ऐसा क्या हो गया? तो चुंगमुंग कहता है कि उन्होंने मुझे दोबारा उना मर्चल गिन जाने के लिए कहा। तो जो वो दोनों बैठे होते हैं वो कहते हैं कि क्या फिर से? तो जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि मैं इनका कोई कबूतर नहीं हूँ जो इनका मैसेज यहाँ से वहाँ लेके जाएगा। तो जो शायुंग होता है वो कहता है कि तुमको पहले तो ये बहुत पसंद था। तो चुंगमुंग कहता है कि मुझे बस पहले ही ये पसंद था जब मैं एक दो बार वहाँ गया था। बहुत अच्छी बात है कि इस बार उन्होंने सिर्फ मुझे हुआ उम के ब्रांच में ही भेजा है, और मैं जियान शहर जा जा के इतनी लंबी ट्रिप से थक चुका हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। तो जो पीछे चुनमक सोचता है मनी मन कि मुझे नहीं पता कि इसने ऐसा क्या किया, पर यह क्लास थर्ड के सारे शिष्यों के ऊपर राज कर रहा है, और सोचता है कि यून जोंग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। वो जब भी किसी से बात करता है जो कि उससे ऊपर के रैंक का होता है या उससे बड़ा होता है, तो उनसे सर नीचे करके बात करता है, पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे उससे एक दिन बात करनी पड़ेगी। तो उसके साथ का जो डिसाइपल होता है वो चुनबैक से कहता है कि क्या सीनियर ब्रदर आज आप कुछ खाने नहीं वाले, आपने अभी तक कोई भी चीज़ टच तक नहीं की है। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि अरे हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। वैसे क्या तुम जानते हो कि जूनियर सिस्टर यू कहाँ पर है? तो जो सेकंड क्लास का दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है कि नहीं, मैं पक्के तौर पे तो नहीं बोल सकता वो कहाँ है। जब हम लोग कैंटीन में आए तब तो वो हमारे साथ ही अंदर एंट्री की थी। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्या हमको उसको ढूंढना नहीं चाहिए? कितना लंबा समय हो गया कि हम सब ने मिलके एक साथ बैठ के कोई पार्टी की हो और कितना अच्छा समय बिताया हो, हम लोग उसके बिना कैसे खा सकते हैं? तो जो सेकंड ईयर का दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है कि पर क्या तुमको पता नहीं है कि उनको ढूंढना हम में से किसी के भी बस में नहीं है, वो तब तक किसी को नहीं मिल सकती जब तक वो खुद ना चाहे हमारे साथ आना, और उनको कोई नहीं ढूंढ सकता जब तक उनकी इच्छा ना हो। तो एक और स्टूडेंट कहता है कि हाँ, ये सही कह रहा है सीनियर ब्रदर, आप बस उनको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो खुद ही आ जाएंगी। तो जो चुनबैक होता है वो उन लोगों को घूरने लग जाता है, और वो दूसरा स्टूडेंट मनी मन सोचता है कि ये हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, लेकिन जब उसकी बात आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाते हैं, और कहता है कि बस मेरा खाना हो गया। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे कैंटीन में कोई इंटर करता है, और वो और कोई नहीं, वो लड़की होती है, और चुनबैक उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और चुनबैक उसको देख के बोलता है कि इधर इधर जूनियर सिस्टर इधर। और जो लड़की होती है वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, कुछ कह नहीं रहती और ना ही किसी का जवाब दे रही होती है, और जो चुनबैक होता है वो कहता है जूनियर सिस्टर इधर इधर, हम लोग इधर बैठे हम लोग। और वो लड़की उनको इग्नोर मार के दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और वहाँ पे चुनबैक का हालत ख़राब हो जाता है, बड़ा कन्फ्यूज़ होता है, और वो लड़की जाके सीधा चुमुंग के पीछे खड़े हो जाती है, और चुमुंग से कहती है कि हे, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।